भारतीय डाकघर भी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। भारतीय डाक जब पहुंचती थी तो साइकिल से घंटी बजती थी और डाकिया डाक लाया आवाज आती थी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अधिकतर डाक जो है वो मोबाइल से ही पहुंच जाती है। और यहां आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि क्या नाम पोस्ट ऑफिस। आजकल इंटरनेट के जमाने में मैं अपनी नानी से फोन पे मैसेजेस पे बात नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ कॉल पे बात कर पाती हूँ। तो मैंने अभी डाकघर के थ्रू एक मैसेज लिखा है उनके लिए, एक संदेश भेजा है, और यहाँ पे मैंने कबूतर वाला भी स्टैम्प लगवाया और अब मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ। मैं भी लोग डाक विभाग पर विश्वास करते हैं और कबूतर वाली मोहर लगवा कर अपने परिजनों को डाक भेज रहे हैं। नाम शुभांगी है, हम डाक रूम से आए हैं, डाकिया डाक लाया वाला डाक रूम। हमारा एम है लेटर राइटिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हाथ से लिखे हुए खत की जो एक फील होती है वो अलग ही होती है। तो ये हमारी स्टॉल है, वो हमारे सामने पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पोस्ट बॉक्स है, और ये हमारा एक्टिविटी एरिया है। लेटर राइटिंग को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर डाक विभाग समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिसमें छात्र छात्राओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहती है। डाक विभाग पर विश्वास लोगों का आज भी बना हुआ है। मैं हरियाणा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर लोहान है, और यहाँ पे जो आप भी कलर रखे हुए हैं उसमें कोई भी रैंडमली आप कलर चूज करोगे और यहाँ पे वही नंबर होगा, उसमें आपको कलर पेंट करना है, और यहाँ पे जो पिक्चर रखी हुई है वो सेम टू सेम पिक्चर यही बन जाएगी जिस भी नंबर से आपने रैंडमली वहाँ से चूज किया था। भारतीय डाक विभाग देश के अतिरिक्त विदेशों में भी डाक पार्सल भेजता है। खास बात यह है कि यहाँ जो भी कलाकृति बनाता है उसकी एक पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है, और विशेष महत्व है तो यहाँ पर स्कूली छात्र काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। राजेश खत्री, नई दिल्ली।